हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं हमें किस किस जगह से एनर्जी मिलती है आज हमें देखना है उन्हीं में से किसी एक एनर्जी के बारे में जिसको कि हम कहते हैं फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स मतलब फ्यूल्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इससे हमें क्या मिलने वाली है एनर्जी मिलने वाली है जिस एनर्जी का यूज हम किस में करने वाले हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोवाइड करके हम हमारे घरों में यूज करेंगे बिकॉज हमने पढ़ा है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना ही हम उसका फॉर्मेशन कर सकते तो वैसे ही हम किसी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं जस्ट हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ऑलरेडी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है जिसको कि हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं किसमें इलेक्ट्रिसिटी में अब कैसे करेंगे क्या है इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट मीन्स की जो हमने नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी देखा था उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉसिल फ्यूल जिसको कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सो आई लव इना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला

और उससे भी पहले कि फॉसिल 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 फ्यूल 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 के टाइप हो गए ठीक है 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 बट क्या होता है? तो फौ ये होता तो ये कि जब भी आ, अगर हम बात करें हमारे आ, अर्ली स्टेजेस की अर्ली स्टेजेस का मतलब हो गया कि जब वो हमारा आ, लाइफ का ओरिजिन हुआ ही था अर्थ के ऊपर अगर मैं उस पीरियड की बात करूं तो उस टाइम पे क्या था ऑर्गेनिज्म तो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे भले ही वो यूनिसेल्यूलर थे लेकिन उस टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो थे अब जब उनकी डेथ हो जाती थी तो एनवायरमेंट के अंदर कहां जाते हैं बात है डेथ होने के बाद वो नीचे ही आएंगे बिकॉज हमारी अर्थ की ग्रेविटी वहां पर काम कर रही है हर चीज को वो नीचे खींचने का काम करती है तो क्या होगा जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएंगे अब क्या होगा अब होंगे और जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे धीरे 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 क्या हुआ हो? इवोल्यूशन होता गया और उससे क्या हो गया मल्टी ऑर्गेनिज्म बने जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म थे उनकी भी जब डेथ हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे जमीन के ऊपर आ जाएंगे ठीक है उनका डिकम्पोजिशन जो होना होगा वो हो जाएगा बट जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कहा रहेंगे वो अर्थ के ऊपर ही रहेंगे ठीक है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई उसके बाद क्या हुआ और है ना बहुत सारे पत्थर वहां के उसके ऊपर आ गए फिर और लिविंग ऑर्गेनिज्म आए उससे भी क्या हो गया फिर और ज्यादा वहां पर ऑर्गेनिज्म थे जो मर गए थे वो वही जमीन के ऊपर रह गए उसके ऊपर मिट्टी आती चली गई मतलब क्या हुआ देखो हुआ क्या एक लेयर जो यहाँ पे हमारी अर्थ थी स्टार्टिंग में ये ठीक है ये हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी अब प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म थे थे जो जो कि वो वो हो थे, गए ऊपर ऊपर आ आ आ गई 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 क्या की लेयर फिर उसके बाद जो वो और ज्यादा और धीरे 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 बरी होते चले गए और उसके ऊपर और क्या आ गए सॉइल की लेयर आ गई तो ऐसे करके अगर देखिए तो बहुत सारी लेयर्स बन चुकी थी अब उन लेयर्स का हो क्या होता है इवन आज भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको कि जलाया नहीं जा जाए जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो या अगर उसको बरी कर दिया गया है नीचे जमीन के अंदर या कोई भी ऐसे आ, एनिमल्स है या कोई प्लांट रेजिड्यू है जो क्या है सिर्फ जमीन के ऊपर रखा है धीरे धीरे क्या होगा उसकी मिट्टी जम जाएगी और वो क्या होगा जमीन के अंदर बरी हो जाएगा तो वैसे ही जब ये बरी होते चले गए तो बहुत सारी ऐसी लेयर्स बन गई उन बहुत सारी लेयर पे क्या हुआ तो अर्थ के जितना आप अंदर जाते हो उतना ही ज्यादा क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा क्या होता है वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होगा क्या ये ऐसे ही रहेंगे जैसे ये थे बिल्कुल नहीं क्या होगा इनका तो भाई ये प्रेशर और उस टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट होने लग जाएंगे किसी अदर चीज के अंदर अब कौन सी चीज में कन्वर्ट होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कोल में कन्वर्ट होंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे ऑयल की बात जो हम करेंगे पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो गैस gas में गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे मतलब कुछ जो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे कुछ लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और कुछ है जो गैसेज फॉर्म में आ जाएंगे ठीक है तो ये क्या होता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स होता है अब देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी तो फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज डीकंपोजिशन ऑफ डेड एंड बरिड ऑर्गेनिज्म

बॉडी uh, के अंदर जो सेल्स है भले ही वो डेड सेल्स है लेकिन फिर भी क्या हो हो सकता है कि वो थोड़े पास में आ जाए बहुत ज्यादा या तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या हम लिक्विड फॉर्म में आ जाए या हम गैसेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींगस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट कैन बी प्लांट्स इट कैन बी एनिमल्स इट कैन बी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन बी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ठीक है तो ये क्या होता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल की खुद की एनर्जी जरूर होती है सारे ही फॉसिल फ्यूल्स की खुद की एनर्जी होती है अब कैसे हो देखो यहाँ पर देखो कोल लिखा है ठीक है

इट मीन्स कि ऐसा तो है नहीं कि ठीक है अभी अगर बरी हुए थे कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है तो फिर क्या होता है मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं इनको अगर कोई ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर बरी हो भी चुका है तो भी उसको मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में डायरेक्टली वो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा एक साल दो साल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और नॉन रिन्यूएबल हम इसे इसीलिए कहते हैं बिकॉज इनको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं अगे, अभी अगर हम इनका बहुत ज्यादा ज़्या, अनवाइजली यूज करेंगे तो फिर क्या होगा होगा ये कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और खत्म होने के बाद में भाई इनको बनने में तो मिलियंस ऑफ इयर्स लगने वाले ही है डेफिनेटली लगने वाला है ऐसा तो नहीं है ना कि हमने खत्म किया और, और माइंड से निकाल लेंगे भाई जब खत्म हो जाएंगे अर्थ पर से तो हमें कहाँ से मिलेंगे कहीं से भी नहीं मिलने वाले हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद बनने वाले हैं एटलीस्ट हमें अभी तो बिल्कुल भी ये नहीं मिलने वाले हैं चलिए सो पैसेज ऑफ टाइम एंड गॉट कन्वर्टेड टू नेचुरल गैस कोल एंड पेट्रोलियम ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन साइड दर्थ क्रस्ट एज आई टोल्ड यू की वहां अर्थ की क्रस्ट के अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर इतना ज्यादा प्रेशर होता है की उसकी वजह से ये सारे किस्में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो ये हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर जिसको कि हम को, कहते हैं कोल अगर ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर तो उसको हम कहेंगे पेट्रोलियम और अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसी गैसिस फॉर्म के अंदर तो उसको हम कहेंगे नेचुरल गैस अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका अलग अलग है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो कि कोल में ही कन्वर्ट होने वाले है। कुछ ऐसे है जो पेट्रोलियम में ही कन्वर्ट होने वाले और कुछ ऐसे है जो गैस में ही होंगे। वो किसी चीज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो कौन कौन से है वो हम अभी देखेंगे जब हम इसे टाइप पढ़ेंगे सो दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर फॉर इट टू रिप्लानिश इनको रिप्लेनिश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है देखो हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या होता है कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग मैटर जो भी अब चाहे प्लांट है एनिमल है चाहे ह्यूमन बींग है चाहे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है सबके सब, सब जब, जब जमीन के अंदर बरी हो जाएंगे जब वो जमीन के अंदर दब जाएंगे तो मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद क्या होगा वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे बिकॉज अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या है नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल के अंदर फॉसिल फ्यूल में भी क्या होगा कौन सी स्टेट होगी तो भी तीनों ही स्टेट के अंदर हो सकता है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी ऐसी स्टेट हो सकती है जिसके अंदर ये फॉसिल फूल कन्वर्ट हो सकते हैं अगर हम बात करेंगे सॉलिड की तो उसको हम क्या कहेंगे कोल कहेंगे अगर हम बात करेंगे लिक्विड की तो उसको हम क्या कहेंगे पेट्रोलियम कहेंगे और अगर हम बात करते हैं हमारे गैस की तो उसको हम क्या कहेंगे नेचुरल गैस कहेंगे अब ये कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसका मतलब नॉन रिन्यूएबल क्यों हुए तो नॉन रिन्यूएबल इसलिए हुए हैं बिकॉज इनको रिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है इनको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगता है मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं इनको बनने में दैट इज वाई हमने इनको कहा है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हम इनको कह सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू क्यों बोल सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल वे कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है अ ट्रेडिशनल वे वो ट्रेडिशनल वे जिसकी वजह से जो कि हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे तो भाई कोयले का नाम तो सबने सुना ही है कोयला हमारे घरों में पहले भी यूज़ किया जाता था भले हम एंशियंट टाइम की बात करें तो भी यूज किया जाता था तो ये तो कौन सा वे है ट्रेडिशनल वे है ट्रेडिशनल सोर्स है एनर्जी का जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चले आ रहा है दैट इज वाई ये कौन सा कन्वेंशनल है या फिर हम इसको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और जो अभी हमने आपको टाइप बताया वो टाइप कौन कौन से देखो टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल में भी क्या आता है वही तीन टाइप आते हैं कोल इट इज इन द सॉलिड फॉर्म इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम जो कि है लिक्विड फॉर्म और पेट्रोलियम बेसिकली होता क्या है तो यू नो वेली वेरी वेल की जब हम बात करते हैं ऑयल की जब हम बात करेंगे ऑयल की तो एक बोला जाता है ना कि हमें तेल के कुएं मिले तो तेल के कुएं का मतलब क्या होता है ऑयल वेल्स ऑयल वेल्स क्या होता है इसके अंदर हमें क्या मिलता है पेट्रोलियम मिलने वाला है एक ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल होता है उसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं ब्लैक कलर का एक क्रूड ऑयल होता है जो जिसको कि हम कहते हैं पेट्रोलियम इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्लैक गोल्ड वो भी इतना ही महंगा होता है गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा होता है ना इसीलिए हम पेट्रोलियम को भी क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है एक ब्लैक गोल्ड है एक काला सोना है ये काला सोना है मतलब ये बहुत ज्यादा वेल्थी बनाने वाला है किसी भी पर्सन को जिसकी यहाँ पर तेल का कुआ मिला है और इसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज होती है चलिए नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस जो कि किसकी फॉर्म में होती है जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर होगी तो गैसेस फॉर्म में सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि नेचुरल गैस है ये भी हमारे घरों में यूज की जाती है भाई हमने एलपीजी और सीएनजी का नाम तो बिल्कुल सुना है सुना ही है ऑब्वियसली सुना ही होगा भाई घरों में यूज ही की जा रही है तो सुना क्यों नहीं होगा हमारे जो घर के गैस सिलेंडर्स आते हैं उसके अंदर क्या होता है एलपीजी फिल होती है

कौन सी ऐसी चीज थी जो कोल में कन्वर्ट हो गई वही ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज तो होनी चाहिए ना कि भाई हाँ ठीक है ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये कोल में कन्वर्ट हो गए सेकेंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पेट्रोलियम तो में कन्वर्ट हो गए वे अगर सबके सब जाके कोल में कन्वर्ट होने वाले थे तो पेट्रोलियम में क्यों गए और अगर पेट्रोलियम में सबके सब कन्वर्ट होने वाले थे तो गैस और कोल में कौन होगा ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए पर्टिकुलर कैटेगरीज है इनके भी कैसे है चलिए सो so, कोल क्या होता है इट इज हार्ड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस मेडअप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर ये जरूर याद रखना है आपको ये हार्ड होता है ये तो ये पता है कि बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म की तो भी बात है ना कि ये हार्ड ही होने वाला है लेकिन ये किसका बना होता है ये बना होता है कार्बन का कार्बन क्वांटिटी ज्यादा होती है इनके अंदर हाइड्रोजन का होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर का बना होता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ दी सब्सटेंसेस इन सारे सब्सटेंसेस के रेशियो के अकॉर्डिंग मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर इन सबके रेशियो के, के अकॉर्डिंग हमने कोल को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है अब जिसके अंदर कार्बन किसी को ऐसा इसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा है किसी को ऐसा है इसके अंदर दूसरा कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा है कोई और ऐसा भी होगा उसके अंदर इन सब में से कोई और गैस ज्यादा है या कोई और गैस बहुत ही कम है इसके रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है कोल को और थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट वन इज एंथेसाइट सेकेंड वन इज बिटोमिनास थर्ड वन इज लिग्नाइट ठीक है एक वर्ड क्या आता है एंथ्रेसाइट आ गया सेकंड वन आ गया हमारा बिटुमिनस थर्ड वन क्या होता है हमारा लिग्नाइट होता है ये तीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोल के ये टाइप से तीनों ये कोल के टाइप है और ये टाइप किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर इन सबके रेशियो के बेसिस पे ही हमने इनको तो थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड किया है अब एक वर्ड और आपने सुना होगा दैट इज स्पीच एक सुना है आपने इसको कि हम क्या कहते हैं कहते हैं तो देखो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर बनाते हैं कार्बन कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है बहुत ज्यादा कार्बन कंपोजिशन होता है भाई जब सारे ऑर्गेनिज्म जो थे जब वो मर गए तो मरने पे क्या होता है बेसिकली डिकम्पोजिशन होता है डीकम्पोजिशन के अंदर कुछ पार्ट तो ऐसा होता है जो कि एनवायरमेंट uh, के अंदर चला जाता है कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको एबजॉर्व कर लेते हैं अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी जो होती है सल्फर की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो जमीन के अंदर बरी हो जाता है बरी होने के बाद में क्या हुआ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ना उसने क्या किया एक लेयर बना ली रॉक्स के ऊपर एक लेयर बना ली उसने उस लेयर को हम क्या कहते हैं जहां पर कार्बन का कंपोजिशन बहुत ज्यादा होगा उस लेयर को हम क्या कहते हैं पीट कहते हैं

और सेपरेट किया जाता है और इससे क्या निकाला जाता है कोल गैस निकाली जाती है कोल तार निकाला जाता है और कोक निकाला जाता है ठीक है आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी ना अब कोल देखो बनता कैसे तो अब इतनी देर से हमने क्या कहा हमने यही तो कहा कि कोल क्या होगा जब डेंस फॉरेस्ट जो है डेंस फॉरेस्ट जो की लो लाइंग वेटलैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट जब जमीन के अंदर बरी हो जाएंगे देखो कौन से डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं एज आई टोल्ड यू क्योंकि सबकी क्या होती है अलग अलग कैटेगरीज होती है कोल की अलग कैटेगरी है पेट्रोलियम की अलग है नेचुरल गैस की अलग है ठीक है अब क्या हुआ जो डेंस फॉरेस्ट होता है जो कि लो लाइंग वेटलैंड के अंदर होता है ये जो बरी हो जाएंगे जमीन के अंदर जब ये दब जाएंगे तो मिलियन ऑफ ईयर के बाद में क्या होगा मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में उससे पहले ही क्या होगा सपोज ये जो वेटलैंड था जो घने जंगल जो थे वो धीरे धीरे क्या होगा जमीन के अंदर दब गए ठीक है कोई पार्ट दिया तो मर गया होगा या कोई सुनामी आई होगी या कोई ऐसा कोई ज्वालामुखी फटा होगा जिसकी वजह से क्या हो गया सारे के सारे जमीन थी वो खत्म हो गई आपको पता ही है बहुत बार हमारी अर्थ खत्म हो चुकी है ठीक है तो जब ये सब हुआ तो सारे के सारे घने जंगल थे जब ये जमीन के अंदर दब गए तो उस दबने के बाद क्या होगा उसके ऊपर सॉयल डिपॉजिट होती चली गई कंटिन्यूसली डिपॉजिट होती गई तो वो कंप्रेस होते गए कंप्रेस होते होते साथ में क्या मिला उनको टेम्परेचर भी हाई मिला और बहुत ज्यादा उनको प्रेशर भी मिला वहां पर उसकी वजह से क्या हुआ सो so, जितना वो डीपर 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 में जाते गए दे फेस्ड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल तो धीरे 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 क्या हो गया ये जो लेयर थी कि किसम कन्वर्ट हो गई थी कोल में और कोल की जगह एक और नाम भी आता है पास एज आई टोल्ड यू अभी जिसे हमने बताया था कि पीट एक नाम आता है जो कि कोल को ही रिप्रेजेंट करता है ठीक है क्या हुआ अगेन देख लीजिए क्या हुआ है किसको बरी किया है तब कोल बना है हमारे पास में तो हमें ये तो पता ही है कि जो लकड़ी को जलाया जाता है अगर लकड़ी को हम कम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो फिर क्या होगा वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा कोयले में कन्वर्ट होता है ना कहा जाता है ना कि हम कोयला बना रहे हैं लकड़ी से कोयला बनाते हैं है ना तो लकड़ी को जब जलाया जाता है उससे क्या बन जाता है बेसिकली तो राग तो बनती है, है।, है लेकिन अगर कम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा कोयला बन जाएगा वो लकड़ी जो है ना वो हार्ड हो जाएगी उसको, उसको हम क्या कहेंगे कोयला बन चुका है तो ये कोयला या जो कोल जो होता है वो क्या होता है जमीन के अंदर जब डेंस फॉरेस्ट जो थे जो लो लाइंग एरियाज के अंदर थे जब वो जमीन के अंदर दब गए थे तो उन्हीं की वजह से क्या हुआ एक लेयर बन गई एक लेयर किसकी बनी जिसके अंदर कार्बन कंपोजिशन बहुत ज्यादा था उस लेयर को हमने क्या नाम दिया पीट नाम दिया उस लेयर को हमने इसी ही हम क्या कहते हैं कोल कहते हैं और इसके थ्री पार्ट हमने कैसे डिवाइड किया है इनको अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ अदर गैसेस और मेनली कार्बन ठीक है आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि कोल किस तरह से बना है और इसको हम कैसे क्लासीफाई आगे कर सकते हैं नाउ यूजेज ऑफ कोल कोल का यूज कहाँ किया जाता है तो आपको ये बहुत अच्छे से, से पता है आई डोंट थिंक ये चीज आपको बताने की जरूरत है कि कोल का यूज कहाँ करते हैं और अगर मैं आपको कोयला दे दू तब आप यूज करेंगे या तो पहले के जमाने में अगर हम जाए तो वहां पर फूड बनाने में काम में आता था हमारा कोयला बेसिकली देखा जाए तो कोयला कहाँ काम आता था जो चूल्हे होते थे जो सिगरीज होती थी उनके अंदर काम आता था इवन आज भी काफी लोगों के घरों में सिगरीज मिल जाती है जो पापड़ वगैरह सेकने के काम में भी आ जाता है और मोस्टली लोग अभी भी गाँव के अंदर देखोगे तो कोयले से खाना भी बना लेते हैं ठीक है तो कोयला हमारा कोल जो है हमारा कहाँ यूज आता है बेसिकली ये कहाँ आता है खाना बनाने में काम में आता है सेकेंड थिंग हमने एक भाप का इंजन पढ़ा है एक स्टीम इंजन का नाम सुना होगा जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था उस स्टीम इंजन के अंदर भी क्या डाला जाता है कोयला डाला जाता है कोल डाला जाता है उसके अंदर भी कंटिन्यूअसली निकाल निकालते ठीक है तो कोल वॉज यूज टू तो प्रोड्यूस स्टीम इन द रेलवे इंजन इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर रेलवे इंजन के अंदर जो स्टीम इंजन बनाया गया था उसके लिए भी काम में आया था कोल देन यूज फॉर कुक फूड फूड कुकिंग के लिए काम में आ जाता है खाना पकाने के लिए गाँव के अंदर आज भी यूज किया जाता है मेन थिंग जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल प्लांट थर्मल पावर प्लांट होते हैं एक थर्मल पावर प्लांट नाम का प्लांट होता है प्लांट का मतलब क्या होता है प्लांट का मतलब होता है किसी चीज को लगाना तो क्या बना रहे हो आप बना रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पावर का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी तो पावर प्लांट का मतलब क्या होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है थर्मल जहां पर नाम आता है जहां पर भी आपका नाम आएगा थर्मल दैट मीन्स की वी आर टॉकिंग अबाउट हीट ठीक है तो कोयले कोल के अंदर लोगों ने ये देखा कि भाई कोल के अंदर तो खुद की एक, एक एनर्जी भी है उसको अगर जलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी बनती है मतलब लाइट एनर्जी भी हो रही है हीट एनर्जी आ रही है ठीक है थर्मल का नाम आते है हमने हीट का बोल दिया दैट इज ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मतलब। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस हीट तो होती है उस हीट की वजह से क्या किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है अब वो हीट कहाँ से आती है तो भाई कोल के अंदर खुद की एक एनर्जी होती है जिससे कि क्या बनता है जिसको अगर जलाओगे कोल को अगर आप तो क्या होगा लाइट एनर्जी मिलेगी आपको हीट एनर्जी भी मिलेगी तो हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट है हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अब होता क्या है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर कोल को रखा जाता है उसको जलाया जाता है उसको जलने से क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन अब क्या होता है कैसे होता है तो ये तो हम जब थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी तब तक के लिए अभी आपको ये याद रखना है कि जब कोल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस तो करने में कर सकते हैं इसका मतलब हमारा फॉसिल फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हमारी हेल्प करने वाला है ना इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज एज फ्यूल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है अब जैसे कोयले कोल को हम कहाँ यूज करते हैं हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं वैसे ही हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है

हाई टेम्परेचर था हाई प्रेशर था इसी की वजह से जो फॉरेस्ट की लेयर थी उस फॉरेस्ट के लेयर का क्या हुआ वो फॉरेस्ट की लेयर कन्वर्ट हो गई पीट में और उसी को हमने क्या कह दिया भाई हमने उसको कोल कह दिया और उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ अदर गैसेस ठीक है इतनी बात तो क्लियर है अब आ जाते हैं हमारे पेट्रोलियम के ऊपर भाई पेट्रोलियम क्या होता है तो पेट्रोलियम को हमने कहा था कि ये क्रूड ऑयल है जिसके यहाँ पर जिसके जमीन के ऊपर सपोज एक मेरी कोई जमीन है उसके ऊपर अगर मुझे मिल जाता है सपोज ये क्रूड ऑयल निकल के आ जाता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरा जो प्लॉट है अब वो मुझे बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है क्यों देने वाला है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल निकल के आएगा उसके अंदर अगर हम जब माइनिंग करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा बहुत सारा ऑयल निकलेगा ऑयल कौन सा क्या खाने वाला ऑयल निकलेगा बिल्कुल नहीं भाई खाने वाले ऑयल से तो इतना पैसा कोई नहीं देता जितना इस क्रूड ऑयल से देगा ये क्रूड ऑयल जो है ना नाम बहुत खतरनाक है ना इसका नाम क्रूड ऑयल है ये जो क्रूड ऑयल है ये क्या होता है एक ब्लैक कलर का ऑयल होता है इस क्रूड ऑयल ये जो क्रूड ऑयल है आपका ये एक ब्लैक कलर का ऑयल होता है और इस ब्लैक कलर के ऑयल में से बहुत सारी चीजें निकल के आती है जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे वाले बन सकते हैं ठीक है अब होता क्या है तो भाई जमीन के अंदर से क्या निकलेगा जैसे कोल निकलता है हमारी माइनिंग से वैसे ही क्या निकलेगा ऑयल निकलेगा ठीक है अब ये क्रूड ऑयल जो होता है इसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड इसी क्रूड ऑयल को हम क्या क्या कह देते हैं हम इसको कह देते हैं ब्लैक गोल्ड बिकॉज ये जैसे कि मैंने बोला ये बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है

यूजअली ग्रीन और ब्लैक एन कलर मोस्टली ये ब्लैक कलर का ही नजर आएगा आपको ग्रीन कलर का तो बहुत रेयर चांस में होता है अदरवाइज ये ब्लैक कलर का एक लिक्वेड है जो कि ऑयली होता है बहुत ज्यादा चिप चिपासा होता है ब्लैक कलर का ही ऑयल है बहुत चिप चिपास होता है क्रूड ऑल जिसको हम कहते हैं इट हेज अ वेरी स्ट्रेंज स्मेल इसकी स्मेल जो होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती है एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस हो गया डीजल हो गया पैराफिन वैक्स है पेट्रोल है एंड लुबिगेटिंग ऑयल ये जो पेट्रोलियम है ये इन सारी चीजों का क्या होता है मिक्सर होता है पेट्रोलियम गैस हो सकती है इसके अंदर डीजल हो सकता है पैराफिन वैक्स है पेट्रोल है डीजल है बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं क्रूड ऑयल कहते हैं और ये इसीलिए ये जो इतना गाढ़ा गाढ़ा एकदम ब्लैक कलर का जो ऑयल होता है इसी वजह से होता है इतनी सारी चीजें इसके अंदर है अब सोचो इस, इतनी सारी चीजों को इसमें से निकालना कैसे रहा अब एक एक पार्टिकल तो है नहीं जिसको हम निकाल देंगे गेहूँ के अंदर कंकड़ तो वो निकाले से बैठी तो ऑयल है इसी से पेट्रोल भी क्या है ऑयल है डीजल भी क्या है ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल की भी बात करती है बी ऑयल अब इतनी सारी चीजों को हम कैसे निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे कि भाई एक रिफाइनरी बनाई जाती है एक रिफाइनरी के अंदर इसको फिल्टर किया जाता है ठीक है चलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसके अंदर इनको उनका इनको प्योरीफाई किया जाता है प्योरीफाई करने के बाद में इन सबको अलग अलग तरह से निकाला जाता है इनका सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है इसी वजह से हम इनको बहुत इजीली हम इनको सेपरेट कर लेते हैं बाय बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड आई होप कि आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एट्थ स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था हमारे पास जिसकी वजह से उसी के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर नीचे की तरफ एक लिखा भी था कि यही जो मेथड है ये पेट्रोलियम को सेपरेट करने में काम में आता है मतलब पेट्रोलियम के अंदर जितनी भी चीजें है ना उन सबको सेपरेट करने में यही मेथड काम आता है कौन सा मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है ये ठीक है चलिए इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन मेनी इंडस्ट्रीज इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं बिकॉज इसका यूज कहाँ आता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आता है भाई जैसे हम पेट्रोल और डीजल का हमने नाम ले लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई इतना महंगा है हमारा पेट्रोल और डीजल अभी और और ज्यादा महंगा होने वाला है ऑब्वियसली ये गोल्ड से कम है क्या गोल्ड से बिल्कुल कम नहीं है ये तो इसको हम क्या कहते हैं हमारा ब्लैक गोल्ड कहते हैं ठीक है ठीके? और इसको किस में प्योरीफाई किया जाता है रिफाइनरी में किया जाता है है ठीक अब ये किससे बना है भाई जो हमारा कोल था वो तो बना था हमारे डेंस फॉरेस्ट के दब जाने की वजह से जमीन के अंदर डेंस फॉरेस्ट जो दब गया तब हमारा कोल बना था अब ये किससे बना है भाई साहब पेट्रोलियम कहा से आए तो पेट्रोलियम आए हैं हमारे सी एनिमल और प्लांट्स से सी एनिमल और जो प्लांट्स थे ना जब वो मर गए थे तो उनकी डेड बॉडीज जब वहां जमीन के समुद्र के अंदर ही बरी हो गई थी सी एनिमल्स है सी प्लांट्स है बाहर आके तो मरेंगे नहीं ऑब्वियसली बात है उसी के अंदर जब वो डेथ उनकी डेथ हो गई थी डेथ होने के बाद क्या होगा जमीन के अंदर नीचे की तरफ चले जाएंगे वो सी बेड में चले जाएंगे जो समुद्र का सरफेस होता है वहां जाके चले जाएंगे अब वहां जाने के बाद भी क्या होगा उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी बहुत सारी लेयर्स डिपोजिट हो जाएंगी डिपोजिशन के बाद में क्या होगा धीरे 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 और ज्यादा जमीन के अंदर दबते चले जाएंगे

By the layer लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले सैंड क्ले की वजह से क्या होगा कम्प्रेस हो जाएंगे सिंपल सी चीज है जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल का नाम लेते ही बोल दिया था कि सारी चीजें क्या होगा जमीन के अंदर बरी हो जाएगी दब जाएगी और उस दबने के बाद में बहुत सारी मिट्टी की लेयर आ जाएगी सैंड की लेयर आ गई क्ले की लेयर आ जाएगी उसके बाद क्या होगा और ज्यादा नीचे जाने के बाद में हाई टेम्परेचर मिलेगा हाई प्रेशर मिलेगा और उसकी वजह से ही क्या होगा धीरे 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 ये कन्वर्ट होने लग जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज है की जो सी एनिमल्स और सी प्लांट्स थे वो सी बेड के अंदर आ गए थे वहां उनकी डेड बॉडीज जो थी वो जमा हो गई ऊपर उसके ऊपर क्या आ गया सैंड एंड क्ले की लेयर आ गई थी और जब बहुत ज्यादा डीप में चले गए उसके बाद उनको क्या मिला हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट सैमटो पेट्रोलियम अभी किसमें कन्वर्ट हो गए हाई प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए है पेट्रोलियम इज अ ऑयल इट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल कहाँ होता है सपोज हमने बात की कि uh, नीचे जमीन के अंदर ये बरी हो गए थे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्या हुआ वहां पर ना बहुत सारी रॉक्स थी भाई अगर ये ऑयल फॉर्म में है तो ये तो समुद्र के अंदर आ जाना चाहिए था समुद्र के अंदर ये तो मिक्स हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ बिकॉज नीचे क्या होता है बहुत सारी रॉक्स भी होती है चट्टाने होती है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे चट्टानों की लेयर होती है कि भाई बाकी सारी चट्टाने तो नीचे है वहां से क्या होगा ये जो ऑयल में कन्वर्ट होते चले गए तो ऊपर की तरफ आए आए और ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे बट एक लेयर बीच में ऐसी आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ ये वहां से ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाई लिक्विड फॉर्म है जा सकता है ऊपर की तरफ क्या दिक्कत है बट ये नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ अ लेयर ऑफ रॉक एक रॉक की लेयर की वजह से नहीं जा पाया बिकॉज वो उसको परमिट नहीं कर रहा था कि लिक्विड उसमें से आर पार हो जाए ठीक है चलिए तो पेट्रोलियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस इन रिफाइनरी एज आई तो टोल्ड यू की कहाँ प्योरिफाई होता है ये रिफाइनरीज के अंदर प्योरिफाई होता है हमारे यहाँ पर भी कई बहुत सारी रिफाइनरीज है ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर रिफाइनरीज नहीं है इंडिया के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज है लेकिन फिर भी हमारा पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है बिकॉज यहाँ पर कंपेटिवली अगर देखा जाए तो कम है डिमांड बहुत ज्यादा है और पेट्रोल क्या है कम है यहाँ पर इवन अगर आपको पता होगा दुबई के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है तो दुबई के अंदर मेनली जो पैसा आता है वो किसकी वजह से आ रहा है बिकॉज वहाँ पर तेल के बहुत सारे कुएं हैं वहाँ बहुत ज्यादा सस्ता है पेट्रोल क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम है और पेट्रोल बहुत ज्यादा है तेल बहुत ज्यादा है वहाँ पर इसकी वजह से वहाँ पर क्या है पैसा खूब है लेकिन इंडिया के अंदर क्या है इंडिया के अंदर थोड़ा सा कहते हैं तेल के जो कुएं है ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में है लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पा रही है इसी वजह से पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है ठीक है अब पेट्रोल को कहां पर हम लोग रिफाइन करेंगे इसको रिफाइनरीज के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे उसके बाद फिर वो पेट्रोल पंप्स के अंदर उनको बेच दिया जाता है अब यूजेस क्या होते हैं पेट्रोलियम के तो भाई इसको अगर नहीं भी देखे तो आपको पता है कि पेट्रोलियम के यूज क्या होते हैं सबसे पहला यूज था अगर मॉर्निंग में उठते अगर आपको गाड़ी चलानी है मॉर्निंग में उठते से ऑफिस जाना है स्कूल जाना है आपके पापा को ऑफिस जाना होगा मदर को कहीं जाना होगा हमें स्कूल जाना है तो हमें क्या चाहिए पेट्रोल चाहिए ये ऑब्वियस ही बात है ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के सामने ही हमारी स्कूल है या हमारे घर के पीछे की तरफ ही हमारी स्कूल है तो ठीक है ना टहते टहरते चले जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा कुछ की वॉकिंग डिस्टेंस पर होती है बट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्कूल जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं होती है तो उनको क्या करना पड़ता है या तो कोई बस बस में जाएंगे वो स्कूल या कोई ऑटो में जाएंगे या वैन में जाएंगे या अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमें छोड़ के आओ रोज का उनका ये सुबह सुबह का ये शेड्यूल होता है ठीक है अगर इसके अलावा भी देखें तो हमारे फादर की जो जॉब होती है ऐसा तो, तो है नहीं कि घर के सामने की तरफ ही होगी या थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर बिल्कुल नहीं उनकी भी दूर दूर होती है कई बार होती है बहुत दूर दूर होती है जॉब्स भी तो उनके लिए भी उनको क्या चाहिए वहां पहुंचने के लिए भी उनको क्या चाहिए गाड़ी चाहिए तो वो कैसे जाएंगे पेट्रोल से जाएंगे और पेट्रोल कहाँ से आता है हमारे पेट्रोलियम से आता है पेट्रोल डीजल सब कहा से आता है पेट्रोलियम से आता है अगर ये पेट्रोल ना हो ना तो हमें ऐसा लगे कि जो अब जो हर एक हर एक चीज छोटी से छोटी चीज हमारी हर एक गली गली में मिलने लग गई है ना वो नहीं मिल पाएगी क्यों नहीं मिल पाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है जैसे सपोज प्रीवियस टाइम की अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था इतना और उस ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से क्या हो जाता था चीजें जो है वो एक जगह की एक ज, उसी जगह पे रह जाती थी वो कहीं बाहर नहीं जा पाती थी और आज की डेट में देखें तो हर जगह हमें हर एक चीज अवेलेबल है ठीक है कहीं भी चले जाओ सेम ब्रांड की चीज आपको हर जगह मिल जाएगी क्यों मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दी पेट्रोलियम पेट्रोल की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन जो इतना ज्यादा बढ़ गया है ना उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर एक चीज को गली गली तक तो पहुंचाना ज़्यादा आसान हो गया तो पेट्रोलियम का सबसे पहला यूज ही जाता है हमारा पेट्रोल डीजल बाकी सब हो नहीं हो पेट्रोल डीजल बहुत जरूरी है so, uh, यूज आता है रोड पेवमेंट का मतलब होता है कि जो रोड्स बनती हैं ना उसके अंदर भी ये पेट्रोलियम काम में आता है क्यों आता है कहाँ आता है सोचो तो पेट्रोलियम के अंदर जब ये सारी चीजें जब तो ली जाती है जो हमारी काम की चीजें होती है वो सब तो निकाल ली जाती है और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ठीक है वो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है तो रोड बनते टाइम आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का ऑयल लाइक स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर गिराया जाता है और उसके बाद रोड बनाई जाती है तो जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ब्लैक कलर का जो ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा तो जो रिमेनिंग पेट्रोलियम होता है ना हमारा जिसके अंदर से सारी चीजें हमने निकाली पेट्रोल डीजल लुब्रिकेंटिंग ऑयल सब निकाल लिया हमने उसमें से पर जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो क्या होता है हमारा पेट्रोलियम होता है और उसी की वजह से क्या बन जाता है रोड्स बन जाती है तो इसमें भी हमारा पेट्रोलियम बहुत ज्यादा काम का है और पेट्रोल तो एज आई टोल ड्यू के इंटरनल कंबेशन है इंजन के अंदर काम आता ही है हमारी हर एक गाड़ी के अंदर देखोगे तो पेट्रोल डीजल के बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती घर वाले बोलते हैं ना कि जब पेट्रोल भरवाने की बारी आती है तो गाड़ी बेटा पैसे पेट्रोल से चलती है पानी से नहीं चलती है जो हर जगह गली गली में लेके घूमते रहते बोला जाता है डायलॉग काफी लोगों को पड़ता है तो ये क्यों बढ़ता है भाई पेट्रोल डीजल है ही इतना महंगा तो ये तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है और आप बिल्कुल भी आई होप की भूलना तो बिल्कुल नहीं वाला है इसको चलिए सो नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस नेचुरल गैस क्या होती है तो इट इज अ गैस फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम नहीं फॉसिल फ्यूल है फॉसिल फ्यूल के देखो थर्ड फॉर्म बता रही हूँ आपको सॉलिड फॉर्म हो गई हमारी लिक्विड फॉर्म हो गई थर्ड फॉर्म इज नेचुरल गैस ये नॉन टॉक्सिक फॉसिल फ्यूल होता है ये एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि नॉन टॉक्सिक है ठीक है चलो नाउ ये क्लीन होता है नॉन टॉक्सिक होता है रोड लेस है कलर भी है और कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू पाइपलाइंस पाइपलाइंस के थ्रू ये बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकता है इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर ठीक है एक्सपेंसिव भी बहुत कम होता है ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है बाकी अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें हम तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन नेचुरल गैस ठीक है थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है चलिए इट इज क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक फॉसिल फ्यूल इट इज कलरलेस ओडोरलेस ओडोरलेस का मतलब होता है कि उसकी फ्रेग्रेंस नहीं, नहीं आती उसकी स्मेल नहीं आती हमें भी फ्रेग्रेंस हम बेसिकली लेते हैं किसी अच्छी खुशबू के लिए और स्मेल हम लेते हैं किसी बुरी खुशबू के लिए तो इसमें से तो दोनों ही नहीं आती कोई ओडोर नहीं आती ओडोर का मतलब ये होता है कोई खुशबू आना ओडोर भी नहीं आती इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं है कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी कोई इसका कलर भी नहीं होता है और ये बहुत ईजिली पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो जा सकती है भाई गैस ही तो है तो पाइपलाइन के थ्रू हम इसको ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है सी और एल का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है तो हम बस इसी की बात कर रहे हैं सीएनजी और एलपीजी क्या होती है हमारी नेचुरल गैस होती है इट इज स्टोर्ड एज कम्प्रेस नेचुरल गैस को हम स्टोर कर सकते हैं सीएनजी के फॉर्म में और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कम्प्रेस नेचुरल गैस एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट की सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और आप इसको स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा कि ये क्या कौन सी गैस है ये यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखो सी की फुल फॉर्म तो वहां लिखी है ठीक है वहां से आप इसको लिख सकते हो कंप्रेस नेचुरल गैस है और जो एलपी है एलपी की फुल फॉर्म क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है आई होप कि आपको याद हो जाएगा याद करना भी है ये बहुत इजी चीज है नेचुरल गैस का नाम आते है हमें ये दो गैसेस का नाम याद आई जाना है चीन के तो ये सी होता है एलपीजी होता है इस नेचुरल गैस को हम स्टोर कर सकते हैं सी एन जी के फॉर्म में अंडर हाई प्रेशर ज्यादा प्रेशर के अंदर हम इसको बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं इट इज लेस पोल्यूटिंग पॉल्यूशन इससे बहुत कम होता है इसीलिए आपको पता होगा कि जब जो गाड़ियां चलने लग गई है पहले चलते थी इसे पेट्रोल और डीजल से अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां तो आ ही रही है साथ ही साथ गैस वाली गाड़ियां भी सुना होगा आपने ना कि गैस वाली गाड़ियां आ रही है तो गैस वाली गाड़ियों के अंदर कौन सी गैस होती है सी लगी होती है बिकॉज ये नॉन पॉल्यूटिंग गैस है इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है वो पेट्रोल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है कोल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है लेकिन सीएनजी से पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होता है ये नॉन पॉल्यूटिंग गैस है इसी वजह से गाड़ियों में भी आजकल यूज करने के प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत ज्यादा गाड़ियां ऐसी भी है जो अभी सीएनजी के ऊपर कुछ टाइम में चलने लग जाएगी और मे भी कुछ चल भी रही होंगी सीएनजी so, का क्या लगेगा जैसे सिलेंडर लगेगा हो जाएगा नाउ इट इज लेस एक्सपेंसिव फ्यूल ये फॉर सिल्फ्यूल थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है दैट पेट्रोल के हम एक लीटर के बहुत ज्यादा पैसे देके आते हैं ना हो सकता है कि सीएनजी के आ जाने के बाद में हमें बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे ठीक है चलिए मिथैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस मिथैन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस है सो अब ये बनती कैसे नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है कैसे बन जाती है ये तो नेचुरल गैस के लिए क्या होता है भाई हर एक चीज के लिए कोई ना कोई चीज को बरी होना पड़ेगा ठीक है जब हमने बात की थी प्लांट्स की जो फॉरेस्ट थे पहले के जमाने में तो वो सारे प्लांट्स जमीन के अंदर दब के क्या बना रहे थे कोल बना रहे थे जब हम बात कर रहे थे सी एनिमल्स और सी प्लांट्स की तो वो बना रहे थे पेट्रोलियम अब आ जाओ हमारे की फाइटो प्लांट्स पे प्लांगटॉन पे और जू प्लांगटॉन पे फाइटो प्लांगटॉन्स एंड जू प्लांगटॉन जो होते हैं जब ये ओशन के बॉटम के अंदर जाके दब जाएंगे और ये जब मिक्स हो जाएंगे अदर ऑर्गेनिक मटेरियल से या ऑर्गेनिक रिच मड के साथ में तो वहाँ पे डब के बाद डब के बाद में क्या हो जाएगा ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होने वाला है उस लेयर में भी सेम चीज़ है कि जब उसको हाई प्रेशर लगेगा टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक वैक्सी मटीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा देखो ये क्या बोल रहा है तो फाइटो प्लांटॉन एंड जू प्लांटोन सिंह टू दू द बॉटम ऑफ द ओशन एंड मिक्स विद ऑर्गेनिक मटीरियल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक रिच मड साथ साथ जमीन के अंदर ना दब जाएंगे मिट्टी लेयर आएगी उसके अंदर भी क्या, बहुत ज्यादा है अब क्या होगा द इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म द शेल इन टू अ वैक्सी मटीरियल नोन एज दरोजन ये जो आ, सारे जू प्लांग्टॉन और फाइडो प्लांगटॉन है जब जमीन के अंदर दब जाएंगे तो वही सेम चीज है हाई प्रेशर होगा हाई टेम्परेचर होगा जब सब कुछ इतना हाई है तो क्या होगा धीरे 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 जो ये ये सब कंप्रेस्ड हो जाएंगे और कंप्रेस्ड हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा ये एक वैक्सी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस वैक्सीन मटेरियल का नाम है कैरोजन और इस कैरोजन को कैरोजन का क्या होगा जितना ज्यादा इसको टेम्परेचर मिलेगा उतना ही ज्यादा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा भी एक वैक्सी मटीरियल है जितना ज्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा उतना ज्यादा वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होकर क्या करेगा नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा कौन कन्वर्ट हो रहा है कैरोजन कन्वर्ट हो रहा है कहा से आया ये तो ये आया जू प्लांटॉन और फाइटो प्लांगटोन के जमीन के अंदर दब जाने की वजह से आया तो ये क्या था कैरोजन है एक वैक्सीन मटीरियल है जो कि जब हाई टेम्परेचर मिलेगा उसको तो उतना ही ज्यादा वो क्या होंगे वो इवेपोरेट होंगे और आफ्टर इवेपरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेचुरल गैस के अंदर भी हम मेनली क्या बोलेंगे सी एन जी एन एलपीजी ठीक है चलिए नाउ सी एनजी यूज किसमें आते हैं ये नेचुरल गैसेस हमारे यूज किसमें आएंगे सी एन जी इज यूज फॉर जनरेटिंग पावर्स सी एन जी क्यों यूज आती है पावर को जनरेट करने में आती है कैसे जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारी गाड़ियों के अंदर भी क्या होता है सी एन जी के सिलेंडर्स लग गए कुछ गाड़ियों के अंदर और uh, मोस्टली अभी अगर वो ज्यादा मार्केट uh, में नहीं भी आई है ना तो एक सर्टेन टाइम के बाद में सी एनजी से चलने वाली मार्केट में गाड़ियां आ जाएंगी क्योंकि तो पानी से तो हमारी गाड़ियाँ चल नहीं सकती तो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी तो गाड़ियों को क्या चाहिए होती पावर चाहिए डेफिनेटली चाहिए एक एनर्जी चाहिए उसको गाड़ियों को चलने के लिए जो कि पेट्रोल से मिलती है वही एनर्जी बाद में किससे मिलेगी सीएनजी से मिलेगी दैट मीन्स कि सीएनजी एन इज यूज टू यूज फॉर जनरेटिंग पावर पावर को जनरेट करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे सीएनजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है सीएनजी से भी पावर जनरेट हो सकती है बाकी चीज़ों से तो वैसे भी हो ही रही है लेकिन इससे भी हो सकती है ना इट इज़ यूज एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स ये ऑटोमोबाइल्स में भी काम में आ जाती है सी हमारी इट कैन be एट होम्स फॉर कुकिंग इन द फॉर्म ऑफ एल पी जी एज आई टोल्ड यू की एल पी जी भी क्या है इसका एक फॉर्म है नेचुरल गैस का तो सी एन जी नेचुरल गैस का एक फॉर्म जो है वो एल पी जी है वो कहाँ यूज आता है हमारे होम्स में घरों के अंदर यूज आता है घरों के अंदर जो हमारे सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है हमारे उसके अंदर होती है एल पी जी देट मीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और ये अब देखा जाए तो हमारे सिलेंडर्स को हटके पाइपलाइंस लग रही है इसकी भी गैस पाइपलाइंस लग रही है ना तो बस ये गैस क्या होती है बहुत हल्की होती है नॉन पॉल्यूटिंग गैसेज है जो क्या होगा हमारे पाइप के थ्रू भी हमारे घरों में आ सकती है अब हम इसको नॉन पॉल्यूटिंग नॉन पॉल्यूटिंग बार बार क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि पुराने जमाने में जब ये कोल से या लकड़ी से जब खाना पकाया जाता था या अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की वहाँ पर भी क्या हो रहा है थर्मल पावर प्लांट के अंदर ना उस कोल को जलाकर हीट प्रोड्यूस की जा हीट प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट प्रोडक्शन के बाद में क्या हो रहा है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है बहुत ज्यादा पॉल्यून फैला रही है इवन अगर मैं बात करूँ एक सिगड़ी की सिगड़ी के अंदर अगर मैं कोल जलाकर किसी रूम के अंदर रख देती हूँ ठीक है वो जल रहा है और मैं उसको रख देती हूँ रूम के अंदर और मैं पूरा रूम पैक कर देती हूँ तो उस रूम के अंदर जो भी पर्सन होगा वो जिंदा नहीं रह सकता वो एक सर्टेन टाइम तक जिंदा रहेगा लेकिन उसके बाद वो मर जाएगा क्यों मर जाएगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से वो मर जाएगा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे नेचुरल गैस की तो भी हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आते हैं क्या मैं गैस को चला के अपने घर को बंद करके नहीं बैठ सकती बिल्कुल बैठ सकती हूँ क्या थोड़ी देर चलने के बाद में उससे खांसी वगैरह आने लग जाती है वो भी नहीं आती है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बिल्कुल नहीं होती क्यों नहीं होती है तो वहां पर किसकी बात कर रहे हैं वहां पर होती है एलपीजी हमारी वहां पर कोई कोल नहीं है कुछ भी नहीं है तो वो जो एलपीजी होती है नॉन पॉल्यूटिंग गैस है नॉन पॉल्यूशिंग गैस है मतलब इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलने वाला है इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज नहीं होने वाला है इसीलिए हम इसका यूज कर सकते हैं और हमारे घर में इसका यूज किया भी जाता है और इसीलिए क्या हो रहा है इसको आ, सिलेंडर्स को रिप्लेस करके अब हम क्या कर रहे हैं जस्ट हमारे गैस पाइपलाइंस ला रहे हैं कि हमारे घरों तक इसका सप्लाई करना ईजी हो जाए ठीक है आई होप की इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है ना no. इसके एडवांटेज क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल के हमारे तो फॉसिल फ्यूल किसमें यूज किया जा सकता है तो फॉसिल फ्यूल को अभी हमने पढ़ लिया हमारे पास थ्री टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल थे तीनों के हमने यूजेस भी देखे तो फॉसिल फ्यूल का मेनली यूज कहाँ होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के थ्रू कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर किसी भी अगर फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से हम क्या कर पाएंगे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे दैट इज वाई फॉसिल फ्यूल्स आर यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो हमारे घर में हम देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उसका यूज किया जाता है नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस कैन बी डन इजीली थ्रू पाइप ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ऑयल एंड गैस का वो बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इनको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई ऑयल और गैस ही तो है पाइपलाइंस लगा ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमें गाड़ियों में भर भर के उसको ले जाने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो सकता है फसल फूल का दे हैव बिकम सेफर टाइम जितना ज्यादा टाइम हो रहा है ना उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है ये सेफ होते ज्यादा धीरे धीरे हमने इसको और टेक्नोलॉजीज आ गई है तो उन टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या हो रहा है ये बहुत ज्यादा सेफ हो रहा है नाउ डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट सोर्स इट इज अवेलेबल इन पेंटिंग अगर हम फाइनाइट सोर्स की बात करें तो अगर फाइनाइट भले ही है ये सोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड जरूर है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास में ठीक है हम उसका वाइजली यूज नहीं कर रहे हैं हमारे हमारे लिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है अगर हमारी तरफ से डिमांड ना बढ़े तो ये बहुत ज्यादा है अभी क्वांटिटी में और ये मिलियन ऑफ ईयर के बाद जो बनेगा ना तो ये मिलियन ऑफ ईयर तो यूज किया जा सकता था लेकिन हमारी डिमांड ही इतनी बढ़ गई है तो वो खत्म तो होना ही है अब एक बात कहे अगर मैं आपको इसको एक बार छोड़ के हम बात करें तो एक पर्सन है जिसने क्या किया अपने बेटे को बहुत सारा पैसा दे दिया और इतना पैसा दिया है कि एक पूरा रूम भर गया उसके अंदर अब सोचो एक रूम भरा रूम से पूरा पैसों से भरा हुआ क्या वो पैसे खत्म हो सकते हैं अगर हम अर्निंग कर रहे हैं या हम उसको वाइजली यूज कर रहे हैं बहुत कम कम हम उसको निकाल रहे हैं तो क्या वो खत्म होंगे जल्दी बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन अगर वही बेटा क्या कर रहा है अपने आराम से पार्टीज वार्टीज कर रहा है रेगुलरली से पैसा निकाला यूज कर लिया उसको कोई मतलब नहीं है कितना बचा है कितना नहीं है तो क्या होगा एक सर्टेन टाइम पे वो खत्म हो जाएगा ठीक है भले ही वो बहुत ज्यादा था लेकिन फिर भी वो तो खत्म हो गया तो बस यही चीज है कि ये ये जो फ्यूल है ही ये है भले बहुत ज्यादा लेकिन है तो ये फाइनाइट ठीक है लेकिन प्लेंटी ऑफ तो है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है और लेकिन हमारी डिमांड को अगर हम रिड्यूस कर दे अगर हम उसको थोड़ा वाइजली यूज करें तो ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारा साथ दे सकते हैं ठीक है तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं फॉसिल फ्यूल के नाउ डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज में यही आ गया कि भाई ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो की सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगे सेकेंड थिंग हमने पॉल्यूशन की बात की थी तो भाई एक नेचुरल गैस को छोड़ के बाकी अगर देखा जाती तो पॉल्यूटिंग तो है ही पेट्रोल अगर आप यूज करते हो तो क्या गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन नहीं फैला है थर्मल पावर प्लांट है क्या उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल होता है पहले एशियन टाइम में जब लोग कोल से अपना खाना वाना बनाते थे तो क्या पॉल्यूशन नहीं होता था बिल्कुल होता था दैट मीन्स ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं लेवल बढ़ा रहे हैं सो फॉसल फ्यूल्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड वेन बर्ंट जब उनको जलाया जाता है तो फॉसल फ्यूल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये क्या है ये एक ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकती है हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकती है क्यों बढ़ा सकती है बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैस है चलिए सो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगे तो हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है हम इसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते कि भाई ठीक है अगर ये है तो हम लोग ठीक है चला रहे हैं हमारा काम हो रहा है बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं होने वाला है आप इसको अगर वाइजली यूज नहीं करोगे भी, अभी तो मतलब ही नहीं ऑलरेडी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका और एक थोड़े टाइम के बाद ये खत्म हो भी जाएगा कुछ सालों का बचा है अभी 40, 50, 70 इयर्स तक के ये सारे बचे होंगे उसके अलावा हमारे पास ये नहीं है बट स्टिल अगर हम उसको वाइजली यूज करें तो कुछ और टाइम तक हमारे पास ये रह सकते हैं उसके बाद हमारे अल्टरनेटिव तो है ही हमारे पास चलिए हार्वेस्टिंग और फॉसल अमंग द पीपल अगर हम फॉसल फ्यूल को हार्वेस्ट करते हैं हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ भाई फसल लगती है तो हम उसको काटते इसको हम काट तो सकते नहीं है फॉसल फ्यूल हमें कहा से मिलते हैं माइनिंग करने से मिलते हैं माइनिंग का नाम तो सुना ही होगा केजीएफ के अंदर तो माइनिंग का नाम बहुत जी सुना है हमें अगर जिसने के देखी उसको पता है कि माइनिंग क्या होता है तो जितना ज्यादा आप डीप के अंदर खुदाई करते हो उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलने वाला है ये फसल फ्यूल मिलने वाला है ठीक है लेकिन जो लोग माइनिंग में जाते हैं माइनिंग करते हैं उनके अंदर बहुत सारी डिजीज हो सकती है इवन जितना आप डीप में जाओगे उतना ज्यादा क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ठीक है सेकेंड थिंग कोल की खुद की एक एनर्जी है जितना ज्यादा आप कोल के पास में रहोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा आपको डिजीज हो सकती है आप आपको एलर्जीज हो सकती है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है तो जो माइनिंग करते हैं लोग जो फॉसिल फ्यूल का हार्वेस्टिंग करते हैं उनके अंदर फेटर डिजीज होना आम बात है नाउ द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल जब इनको कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर uh, के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से निकलते हैं फॉसिल फ्यूल है ठीक है उसके अंदर क्या है कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तो प्रेजेंट है ही डेफिनेटली प्रेजेंट है भाई हमने कहा ही ना कि कोल जो है इन सारी चीजों से मिलकर बनाए तो इन फॉसिल फ्यूल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है लेकिन जब उनको बर्न किया जाएगा बर्न करने का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे ऑक्साइड्स बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स बन सकते हैं ना ये क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं अब ये सारे अगर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और अगर ये एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे एनवायरमेंट uh, के अंदर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा एसिड रेन को कॉज करते हैं दिस लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट आर वाटर एंड सॉयल रिसोर्सेज ये एसिड रेन को कॉज करता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है वाटर एंड सॉयल रिसोर्सेज जो है वो हमारे अफेक्ट होते हैं अब ये एसिड रेन क्या होती है तो भाई बेसिक सी बात है जब हमारे एनवायरमेंट के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा कैसे बढ़ेगा तो सल्फर के ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है कार्बन के ऑक्साइड्स है अगर ये हो जाएंगे तो ये क्या होता है ये एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर एनवायरमेंट के अंदर हवा के अंदर अगर देखा जाए एसिड ज़्यादा है जैसे ही रेन होगी क्या रेन के अंदर ये सारे जो पार्टिकल्स है ये सब मिक्स नहीं होंगे क्या इनके ऑक्साइड मिक्स नहीं होंगे बिल्कुल होंगे रेन आ कहां से रही ऊपर से आ रही है क्या बीच के अंदर हवा नहीं है बिल्कुल है क्या उसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स नहीं होगी बिल्कुल हो जाएगी तो जब ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाएगी इतना ज्यादा एसिड अगर उस पानी के अंदर मिक्स होगा तो जो रेन होगी वो क्या होगी एसिडिक रेन होगी हमें कहा जाता है ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए पहली या दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्यों नहीं नहाना चाहिए बिकॉज वो क्या होती है उस टाइम पे जितना भी पॉल्यूशन हो चुका है जितने भी एसिड्स हमारे एनवायरमेंट के अंदर है वो उस बारिश के साथ में क्या होता है मिक्स होकर फिर नीचे आते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं एसिडिक रेन कहते हैं और ये हमेशा हमारे सॉइल को हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उन सबको इफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं और ये हमेशा नेगेटिव इंपेक्ट डालते हैं हमारे ताजमहल के ऊपर भी हमने देखा होगा ना एक मार्बल कैंसर नाम की चीज़ होती है मार्बल कैंसर का मतलब होता है कि जो संगमरमर की दीवारें होती है उधर मार्बल होता है ऐसा संगमरमर है अगर उसके ऊपर एसिड रेन होगी तो क्या होगा वो दीवारें खराब हो जाएंगी तो ताजमहल को देखा होगा बिल्कुल तेल सा हो रखा अभी तो क्यों रखा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन क्योंकि उसको क्या हो गया मार्बल कैंसर हो गया ठीक है आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है और अगर ये सारी चीजें क्लियर है दैट मीनस कि आपको अब आप पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट नेक्स नेचुरल रिसोर्स के बारे में भाई नेचुरल रिसोर्स में हमारा फर्स्ट क्या था फॉसिल फ्यूल बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई पेट्रोल का यूज क्या हम नहीं करेंगे क्या हम कोल का यूज नहीं करेंगे रेगुलरली हो रहा है हमारे यहाँ पर कोल का यूज भी हो रहा है पेट्रोल का यूज हो रहा है नेचुरल गैस तो हमारे घर के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं पूरे दिन जब जाते गैस नहीं चला तो मॉर्निंग में वरना हमारा खाना कैसे पकेगा तो ये सारी चीजें किस में आती है फॉसिल फ्यूल में आती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट भले ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं नहीं फैला रहे डजेंट मैटर लेकिन फिर भी हम इनका यूज तो बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते तो नेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स नेचुरल रिसोर्स के बारे में तब तक के लिए थैंक यू सो मच